सारेगामा कारवा डिजिटल ऑडियो प्लेयर। इस तोहफे में है 5,000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। हर रिश्ते में एतबार जरूरी है, कभी जीत तो कभी हार जरूरी है। हर रिश्ते में एतबार जरूरी है, कभी जीत तो कभी हार जरूरी है। यूं ही तो नहीं बन जाते इश्क के फसाने, कभी इनकार तो कभी इजहार जरूरी है। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। हर हफ्ते बॉलीवुड के कुछ ओल्ड क्लासिक गाने और अनसुने किस्से लेकर के आती हूं मैं आपके लिए। और आज मैं जिस आर्टिस्ट के बारे में बात करने वाली हूं और उनके चुने हुए गाने आपको सुनाने वाली हूं, उन्होंने हिंदी सिनेमा को कर्ज, हीरो, राम लखन, सौदागर जैसी सुपर हिट फिल्में दी हैं। 80s और 90s के जमाने के शोमैन, मैं बात कर रही हूं सुभाष घाई जी की। ऐसे आपको पता है, हम सभी सुभाष घाई जी को एज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल डायरेक्टर्स ऑफ द 80s एंड 90s के तौर में जानते हैं, लेकिन ये एक्चुअली एक डायरेक्टर बनना ही नहीं चाहते थे। क्या बनना चाहते थे ये, क्या बनने की कोशिश भी की थी इन्होंने, बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद। लेकिन उसके पहले एक ऐसी फिल्म का गाना आपको सुनाती हूँ जिस फिल्म को लेकर के लोगों ने सुभाष घाई जी को बड़ा मना किया था कि ये फिल्म मत बनाओ, ये फिल्म हिट नहीं होगी। लेकिन लोगों की प्रिडिक्शन को गलत साबित कर दिया इस फिल्म ने। मैं बात कर रही हूँ फिल्म कर्ज की। 2 महीने लगे थे सुभाष घाई जी को सिमी ग्रेवाल को भी कन्विंस करने में, बिकॉज उन्हें भी नहीं लग रहा था कि ये मूवी चलेगी। लेकिन रेस्ट इज हिस्ट्री, सब जानते ही हैं कि ये फिल्म बनी, और बनी तो क्या बनी। चलिए सुनते हैं किशोरदा की आवाज में कर्ज फिल्म से गाना ओम शांति ओम। तुमने कभी किसी से प्यार किया? किया। कभी किसी को दिल दिया? किया। मैंने भी दिया। लाल इलाज दुनिया में और कोई तो गाओ हो शांति ओ शांति शांति ओ शांति ओ
जाते खराब देखो आया नहीं अभी तक उधर से आया नहीं अभी तक उधर से कोई जवाब देखो वो ना कहेंगे तो खुदकशी भी कर जाऊंगा मैं यारो वो ना कहेंगे तो खुदकशी भी कर जाऊंगा मैं यारो वो हाँ कहेंगे तो भी खुशी से मर जाऊंगा मैं यारो तो गाओ ओ शांति ओ शांति शांति गामा कारवां डिजिटल ऑडियो प्लेयर इस तोहफे में है 5,000 सुनहरे गाने और कुछ यादें बिना दिन्दा,
माई नेम इज लखन, माई नेम इज लखन, सजनों का सजन मेरा नाम है लखन। ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, मैं हूँ मन मौजी, करता हूँ मैं जो वो तुम भी करो जी। 1 2 का 4 4 2 का 1, माई नेम इज लखन, माई नेम इज लखन, सजनों का सजन मेरा नाम है लखन। सजनों का सजन मेरा नाम है लखन। क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। आज सुभाष घाई साहब की ज़िंदगी के बारे में आपको कुछ ऐसी बातें बता रही हूं जो कि आप द शो मैन के बारे में शायद ना जानते हों। और ये सभी गाने जो आप इनकी सुपर हिट फिल्मों से सुन रहे हैं, ये मैं मेरे सारेगामा कारवां, मेरा जो डिजिटल म्यूज़िक प्लेयर है, उससे आपको सुना रही हूं। आई होप आपको पसंद आ रहे हों। आपको पता है घाई साहब के अंदर एक्टिंग का एक कीड़ा था। उन्होंने हिंदी सिनेमा में अपने करियर की शुरुआत एक्चुअली छोटे छोटे रोल्स के साथ एज एन एक्टर ही की थी। 1967 में तकदीर, 71 में आराधना, इन सभी में उनके छोटे छोटे रोल्स थे। इनफैक्ट 1970s की फिल्म उमंग में उनका लीड रोल था, लेकिन फिर उन्हें समझ में आ गया कि भाई यहाँ पे ज़्यादा अपनी दाल गलनी नहीं है, तो उन्होंने डायरेक्शन की तरफ रुख लिया। आपको पता है पैसा ये पैसा गाने की शूटिंग के दौरान सुभाष घई साहब ने एक थोड़े हेल्दी मोटे आदमी को बुलाया था, एक उसका छोटा सा हिस्सा था उसमें, लेकिन वो सेट पर आया नहीं, तो सुभाष घई डिसाइडेड टू प्ले द पार्ट हिमसेल्फ। और फिर क्या था,
उनको चस्का चढ़ गया, इसीलिए वो अक्सर अपनी खुद की फिल्मों में अपीयरेंसेस करते दिखाई देते हैं। सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, वैसे डांसिंग का भी शौक रखते थे हमारे सुभाष घाई जी। हुआ यूं कि कर्ज फिल्म का गाना दर्दे दिल की शूट के दौरान गाने के कोरियोग्राफर पहुंच नहीं पाए थे, तो बस कुछ हिस्से जो इस गाने के थे उसे खुद सुभाष घाई साहब ने कोरियोग्राफ किया था। तो ये गाना तो सुनाऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद, लेकिन उसके पहले सौदागर फिल्म से सुना रही हूँ अगला गाना। एक ऐसी फिल्म जिसमें 30 साल के बाद बड़े पर्दे पर दिलीप कुमार और राजकुमार जी को साथ में लेकर के आए थे सुभाष घाई। सुनिए अगला गाना। दर्दे दिल दर्दे जिगर दिल में जगाया आपने, दर्दे दिल दर्दे जिगर दिल में जगाया आपने। पहले तो मैं शायर था, पहले
था आशिक बनाया आपने। दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। आपकी मदहोश नजरें कर रही हैं शायरी। आपकी मदहोश नजरें कर रही हैं शायरी। ये गजल मेरी नहीं, ये गजल है आपकी। मैंने तो बस वो लिखा जो कुछ लिखाया आपने। दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया। सारेगामा कारवां डिजिटल ऑडियो प्लेयर, इस तोहफे में है 5,000 सुनहरे गाने और कुछ यादें।
वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ, और आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एंड आल्सो वन ऑफ द मोस्ट स्टबर्न डायरेक्टर्स। काफ़ी हठी थे सुभाष घाई जी अपने ज़माने में, तो सुभाष घाई जी के गाने आज आपको सुना रही हूँ, उन्हीं की ज़िंदगी से जुड़ी हुई कुछ कहानियाँ आपको बता रही हूँ। आपको ये तो पता ही है कि बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस को सुभाष घाई जी ने लॉन्च किया, माधुरी दीक्षित, मनीषा कोइराला, जैकी श्रॉफ, संजय दत्त, महिमा चौधरी, ऐश्वर्या राय, करीना कपूर, कटरीना कैफ, सभी लोगों की ज़िंदगी में सक्सेस में बहुत बड़ा हाथ जो है वो द शोमैन सुभाष घाई जी का ही है। वैसे आप जानते हैं लेकिन 80s के दौरान माधुरी दीक्षित ने काफ़ी फ्लॉप फिल्में की थी, और तब सुभाष घाई जी ने माधुरी को 1986 की कर्मा में एक डांस नंबर ऑफर किया था, लेकिन बाद में एडिट टेबल पे ये डांस नंबर जो था वो कट गया, एडिट में निकल गया, और इसलिए सुभाष घाई जी को बहुत बुरा लगा। तो उन्होंने प्रॉमिस किया माधुरी दीक्षित को कि मैं मेरी जो अगली मूवी आएगी, राम लखन बनाने की सोच रहे थे तब वो, तो मेरी अगली मूवी में मैं तुम्हें लीड रोल में लूँगा और फिर देखना तुम किस तरह से चमक जाओगी। वैसे माधुरी दीक्षित की किस्मत तो वैसे भी चमकने ही वाली थी, इसीलिए राम लखन के पहले ही तेजाब फिल्म आ गई एंड शी बिकेम अ स्टार ओवरनाइट। तो चलिए यहाँ पर अगला गाना जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो भी राम लखन फिल्म से ही है। वैसे इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर पहले आरडी बर्मन साहब थे, और फिर उन्हें बदल के लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को लिया था सुभाष घाई ने, कुछ तो समय वगैरह की प्रॉब्लम होने के कारण। और एक बार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के बीच में भी जब झगड़ा हुआ था तो सुभाष घाई जी ने ही इन दोनों के बीच में फिर से पैचअप कराया था, इन दोनों को रिकनसाइल कराया था। सो आई थिंक ये जो हमारे म्यूजिक डायरेक्टर डुओ हैं दे ऑल्सो ओ अलॉट टू सुभाष घाई जी। तो सुनाती हूँ आपको राम लखन से अगला गाना, और मेरी जंग फिल्म के बारे में बात करेंगे कुछ ही देर के बाद। इस फिल्म को लेकर के एक्चुअली जंग छिड़ी थी एक्टर एक्ट्रेसेस के बीच में। कौन थे ये एक्टर एक्ट्रेसेस और क्या जंग थी बताऊंगी आपको, स्टे ट्यून्ड। Check it.
तेरा नाम लिया, ओ तुझे याद किया, ओ तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तुझे याद किया, तेरा नाम लिया। Love this episode. Offline this video now and enjoy this show anytime, anywhere. मजनू, शिरी और फरहा, इनका सच्चा इश्क जमाने को अब तक है यार। याद याद मुझे आया है कैसे दिल भर का नाम, जिसने धोखा देकर नाम इश्क किया बदनाम। यही है साहिबान कहानी प्यार की, किसी ने जान ली, किसी ने जान दी। एक हसीना थी, एक दीवाना था, क्या उम्र क्या समा क्या जमाना। दिन वो मिले, रोज मिलने लगे, एक दिन वो मिले, रोज मिलने लगे, फिर मोहब्बत हुई, बस कयामत हुई। हो गए तुम कहां, सुन के ये सीना थी, एक दीवाना था, क्या उम्र थी, क्या समा था, क्या जमाना था। एक हसीना थी, एक दीवाना। I hope you are enjoying this episode of Weekend Classic Radio Show. Do like this video and share this episode with your friends and family. And don't forget to subscribe to Saregama Music YouTube channel. पर अपनी तकदीर तो जीरो है। पर प्रेम ग्रंथ के पन्नों पर
अपनी तकदीर तो जीरो है। ओ किसी को ये प्यार नसीब होता है, किसी किसी को ये प्यार नसीब होता है। कोई ऐसा खुश नसीब होता है, कोई कोई ऐसा खुश नसीब होता है। तेरी बातें तू ही जाने, मैं तो बस इतना जानूं, 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 जानूं। तू मेरा जानू है, तू मेरा दिल भर है, मेरी प्रेम कहानी का तू हीरो है। पर प्रेम ग्रंथ के पन्नों पर अपनी तकदीर तो जीरो है। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूँ रुचि आपके साथ। मेरे ये डिजिटल ऑडियो प्लेयर सारेगामा कारवा से सुन रहे हैं आप सुभाष घाई जी की फिल्मों के सुपरहिट बेहतरीन गाने। कौन से गाने आपको अच्छे लग रहे हैं, कौन सी बातें हैं, कौन से बताए हुए किससे आपको इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और ये जो एपिसोड है आज का, इसे अपने दोस्त यार प्यार भाई मित्र दिलदार सबके साथ में शेयर भी कीजिए। वैसे आपको पता है ना कि जैकी श्रॉफ के करियर में सबसे बड़ा जो एक बदलाव लेकर के आए थे वो तो सुभाष घाई जी ही थे। सुपरहिट फिल्में दी जैकी श्रॉफ को, अपनी सक्सेस का सारा श्रेय आज तक भी जैकी श्रॉफ सुभाष घाई को ही देते हैं। जब मेरी जंग फिल्म बन रही थी तब काफ़ी कंट्रोवर्सी चली थी क्योंकि जैकी श्रॉफ को इस फिल्म में लिया नहीं गया था, लेकिन घाई साहब के हिसाब से वो रोल अनिल कपूर को ज़्यादा सूट करता था। एक्चुअली अनिल कपूर भी इस रोल के लिए फर्स्ट चॉइस नहीं थे। घाई साहब सबसे पहले तो चाहते थे कि अमिताभ बच्चन ये रोल करें, लेकिन अमिताभ बच्चन जी के हेल्थ इश्यूज के कारण अनिल कपूर वॉज टेकन एज द लीड। इनफैक्ट अनिल जी हमेशा ही अमित जी के शुक्रगुजार रहते हैं क्योंकि उनके कारण अनिल कपूर जी गॉट वन ऑफ हिज बिगेस्ट ब्रेक्स एट दैट टाइम। सबसे बड़ी मूवी उस समय की बन गई थी अनिल कपूर के लिए। ना सिर्फ एक्टर्स के बीच में ये जंग चली थी अबाउट दिस रोल, एक्ट्रेसेस के बीच में भी चली थी। मेरी जंग फिल्म के प्रोड्यूसर एनएन सिप्पी जी जया प्रदा जी को फिल्म में लेना चाहते थे, लेकिन जया प्रदा जी ये फिल्म तभी करना चाहती थी अगर अमिताभ बच्चन हो उनके साथ में, इसलिए उनको छोड़ करके सुभाष घाई जी ने मीनाक्षी शेषाद्री को लिया था इस रोल के लिए। सोच के देखिए अगर अमिताभ बच्चन और जया प्रदा होते इस फिल्म में तो कैसी होती ये फिल्म। कुछ ही देर के बाद आपको मैं बताऊंगी कि 80s और 90s के ज़माने में देयर वाज दिस वन फिल्म, जस्ट वन फिल्म जो ज़्यादा नहीं चली थी सुभाष घाई जी की। कौन सी थी वो फिल्म, क्यों फ्लॉप हुई थी वो, बात करेंगे इसके बारे में। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो। सपनों का सौदागर सौदागर दिल ले ले
हाथ किसी का वो पकड़े, हाथ किसी का वो पकड़े जो छोड़े जग सारा। तू ऊंचे महलों वाली, मैं बेघर बंजारा। प्यार का सौदा कर लूं तेरे साथ में, कैसे प्यार का सौदा कर लूं, ऐसा कोई वादा कर मैं जिस पे भरोसा कर लूं। हर कदम एक नई जंग है।
क्लासिक के न्यू एपिसोड्स हर थर्सडे रिलीज होते हैं, सो प्लीज सब्सक्राइब टू सारेगामा म्यूजिक यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑन द ऐप, ताकि हम हर हफ्ते कुछ नई कहानियों और गानों के साथ मिलते रहें। क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के शोमैन सुभाष घाई जी की। सुना रही हूं आपको उन्हीं के बढ़िया प्यारे गाने और बता रही हूं कुछ छुपी हुई बातें उनकी जिंदगी, उनके करियर के बारे में। सुभाष घाई जी बड़े बड़े चेंजेस लेकर के आए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। वही थे जिन्होंने कि सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया फिल्म इंश्योरेंस पॉलिसी बॉलीवुड में उनकी फिल्म ताल के साथ। उसी के साथ में द कॉन्सेप्ट ऑफ बैंक्स फाइनेंसिंग मूवीज, जिससे कि मूवीज बनाना इतना मुश्किल ना रहे लोगों के लिए, उसकी शुरुआत भी सुभाष घाई जी ने ही की थी। वैसे मैं बात कर रही थी उस एक मूवी के बारे में जो कि ज़्यादा चली नहीं थी सुभाष घाई जी की। 80s के ज़माने की अगर बात करें तो वो डेकेड में तो उनका राज था बॉक्स ऑफिस पर, लेकिन मुकुल एस आनंद जी की त्रिमूर्ति जब आई थी 90s के ज़माने में, तो वो फिल्म फ्लॉप हो गई थी।
और जितने लोग इस फिल्म से जुड़े हुए थे उन्होंने कहा कि इसके पीछे का कारण था सुभाष घाई जी का मिजाज। वो सुनने को ही तैयार नहीं थे कि लोगों का क्या सजेशन है, काफ़ी स्टबर्न थे वो इस एक फिल्म को लेकर के, काफ़ी डिटरमाइंड थे कि जो उनके दिमाग में है उन्हें वही करना है, और इस कारण शायद बाकी लोगों को जो पहले से दिख रहा था वो सुभाष घाई जी देख नहीं पाए थे। इस फिल्म के फ्लॉप हो जाने के बाद सुभाष घाई जी काफ़ी समय तक थोड़ा उदास और डिप्रेशन के एक स्टेट में भी थे, लेकिन जल्द ही उससे एक बार फिर से हंसते खिलखिलाते हुए बाहर आ गए थे। तो चलिए सुनाती हूँ आपको अगला गाना हमारे सुभाष घाई जी द शोमैन ऑफ बॉलीवुड का, और अगले हफ्ते हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट रोमांटिक एंड गुड लुकिंग पेयर्स ऑफ बॉलीवुड, हेमा मालिनी और धर्मेंद्र जी के बारे में। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो। वेलकम फ्रेंड्स टू द शो दैट नेवर एंड्स, आई हैव टेकन द चांस To make you dance, you will move your feet and groove to the beat. So then, which beat would you like? Dosto, kaun sa dance pasand karenge aap? Rumba? No! No! Samba? No! No! Rumba? No! Samba? No! Tequila? No! Tango? No! Charleston? No! Polka? No! 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 One, two, one, two, three, four, one, two, three, four, five, six, seven, eight, rock and roll. Hey, bol baby bol, bol bol bol, hey bol baby bol, bol bol bol, mere sang tol. दुनिया है गोल, अरे बोल बेबी बोल, बोल बोल बेबी बोल, जरा मेरे संग डोल, देख दुनिया है गोल, दिल में बस जाने दे मुझको, दिल के सब दरवाजे खोल, बोल बाबा बोल, बोल बोल बोल, बोल बाबा बोल, बोल बोल बोल, मेरे संग डोल, देख दुनिया है गोल। मस्ताना परवाना नजराना, तेरा ये दिल हो गया, चोरी से चुपके से, चोरी से चुपके से, चुप चुपके दुनिया से मिलना मुश्किल हो गया, मुश्किल हो गया। हम दो प्रेमी हम दो पंछी, चल हम उड़ जाए पर तोल, बोल बेबी बोल, बोल बोल बोल, मेरे संग डोल, अरे दुनिया है पहली बार, निंदिया से जागी बहार।
आप इस वीकेंड क्लासिक रेडियो शो को एज पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं ऑन एंड्रॉइड एंड एप्पल प्लेटफॉर्म्स। Enjoying this episode of Weekend Classic Radio Show. Do like this video and share this episode with your friends and family. And don't forget to subscribe to Saregama Music YouTube channel. चलिए तो मैं रुचि यहाँ से विदा लेती हूँ. मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते कुछ ऐसे ही किस्से कहानियाँ और आपके पसंदीदा गानों के साथ.